छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले के आरन के पास 7 जून को गौ तस्करी के आरोपी 3 युवकों की मौत के मामले में अब नया मोड़ आया है। इन युवकों के नदी में कूदते हुए वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। उल्लेखनीय है कि इस मामले ने छत्तीसगढ़ में बड़ा सियासी रंग ले लिया था। तस्करी के आरोपियों की हत्या का आरोप गोरक्षकों पर लगाया जा रहा था। गोरक्षकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई बड़े प्रदर्शन भी हुए। वहीं बजरंग दल और अनेक हिंदूवादी संगठनों ने भी गोरक्षकों की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। हालांकि रायपुर के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पहले ही इस मामले में गोरक्षकों को यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी थी कि गोतस्कर खुद ही नदी में कूद गए थे। इस वीडियो के सामने आने से उनकी बात सच साबित हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रक को रोकने के बाद गोतस्कर महानदी में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो मृतकों का पीछा करते हुए बनाया गया है। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, वो तस्करी के शक में एक ट्रक का पीछा किया जा रहा था। इस दौरान ट्रक चालक परिचालक ट्रक से उतरे और महानदी में कूद गए। वीडियो में इन युवकों को कूदने से मना करती हुई आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। जबकि मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि तीनों की मौत मॉब लिंचिंग से हुई थी।